एग्जांपल, ये मेरा एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल है और ये मेरा मेन एक्टिविटी डॉट जावा है. यस मिनी, दिस इज योर मेन एक्टिविटी डॉट जावा एंड दिस इज योर कस्टम गैलरी एडेप्टर डॉट जावा, जो मैंने अभी ही रिसेंटली आपको कंप्लीट करवाया, जो ग्रीड व्यू का एग्जाम्पल था, सॉरी गैलरी व्यू का एग्जाम्पल था. और उसका आउटपुट लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आफ्टर आई विल कन्वर्ट दिस प्रैक्टिकल इनटू ग्रीड व्यू एग्जाम्पल. सो मैं इसको किस तरह से एग्जाम्पल में कन्वर्ट करूँगा, इस पूरी चीज को, गैलरी व्यू को ग्रीड व्यू में, वो मैं दिखाना चाहता हूँ. सो ये आपका एग्जाम्पल है, यू कैन सी हियर, ये गैलरी व्यू का एग्जाम्पल है. नाउ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस प्रैक्टिकल इनटू ग्रीड व्यू. पहले ये देख लीजिए, ये एक्टिविटी मेन अंडरस्कोर एक्सएमएल है, उसके डिजाइन में गया, वहां पे मैं यहां से उसको सर्च कर रहा हूं, मैं यहां से उसका ग्रीड व्यू सर्च कर रहा हूं. जैसे कि यहां पे मैंने ग्रीड लिखा, डू नॉट यूज ग्रीड लेआउट, मैंने ग्रीड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और वो इस तरह से दिखता है. उसका नाम पहले मैं दे देता हूँ ग्रीड व्यू, ओके, GRV1 उसका नाम मैंने दे दिया. पहले समझ लीजिए, फिर बाद में उसको जो भी परफॉर्म करना है वो कीजिएगा. नाउ ये जो ग्रीड व्यू मैंने लिया, उसका मैं कुछ भी कोडिंग में यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ. देख लीजिए, जैसा ही है वैसा ही रख रहा हूँ और मेन एक्टिविटी के अंदर जाकर वहाँ पे उसका एक इंस्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ ग्रीड व्यू, जिसका नाम रख रहा हूँ जी, ग्रीड का आर, GRDV, ये उनका नाम है ग्रीड व्यू. नाउ उसको इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, तो उसका मुझे उसका रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा. उसको रेफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं ग्रीड व्यू को यूज कर रहा हूँ, फाइंड व्यू बाय आईडी से r.id.grid_view_grv1, ये रेडी हुआ, ये उसका रेफरेंस रेडी हो गया. और ये रेफरेंस रेडी होने के बाद हमको क्या करना है, जरा ध्यान से उसको समझने की कोशिश कीजिएगा. जैसे ही हमने गैलरी व्यू के अंदर सेट एडाप्टर किया था, वैसे ही मैं मेरे ग्रीड व्यू के अंदर सेट एडाप्टर सेट करने जा रहा हूँ. जरा यहाँ से देखिए, GRDV.setAdapter, ये एडाप्टर सेट कर लिया. किसका एडाप्टर, जो हमारा कस्टम गैलरी एडेप्टर है उसको ही मैं यूज करने जा रहा हूँ. ये जो कस्टम गैलरी एडेप्टर है उसको ही मैं यूज करने जा रहा हूँ. सो मैंने उसको सेट कर दिया, बाकी कोई भी लाइन मैंने चेंज नहीं किया. लेकिन उसके इमेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ जो इमेजेस दिख रहा है वैसे ही इमेज व्यू में दिखे, इसलिए मैं उसके ऊपर इवेंट सेट कर रहा हूँ. सेट ऑन आइटम, सेट ऑन आइटम, क्लिक लिस्नर, वहां पे न्यू यूज करेंगे, कंट्रोल स्पेस की यूज करेंगे, आइटम ऑन क्लिक लिस्नर आ जाएगा. वहां पे हमारा थर्ड पैरामीटर मैंने बोला था पोजीशन है, तो वो पोजीशन ले लेंगे और ये लाइन को हम कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, तो हमारा काम इजी से हो जाएगा. बस प्रैक्टिकल फिनिश्ड, लेट मी रन एंड चेक इट आउट. मेरा इतना ही काम गैलरी व्यू से ग्रीड व्यू में कन्वर्ट करने के लिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका कंट्रोल ऐड किया, उसका प्रॉपर्टी आईडी सेट किया, उसका इंस्टेंट क्रिएट किया, उसको रेफरेंस किया, उसके ऊपर सेट एडेप्टर किया और सेट और आइटम क्लिक लिस्नर सेट कर दिया. अब देखिए, ये जो चीज है वो हमारा ग्रीड व्यू है. जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स हम बदल सकते हैं मालूम है. अब मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर छोटे से इमेज पे क्लिक किया, यू कैन सी हियर, यू कैन स्क्रोल इट. देखिए हमारे पास स्क्रोलिंग का ऑप्शन जैसे पुराने वाले में था वैसे ही है, और यहाँ से भी हो सकता है. ये हमारा गैलरी व्यू है, ये हमारा ग्रीड व्यू है. सो डू इट योर ओन वे, ये आपको करना है.